सो हे गाइस, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में पूरी मेथड आपको बताऊंगा एंड चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल के रूप में मैंने 98 को बाइनरी में चेंज करना है जो कि डेसिमल में दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले 98 लिख लेना है, फिर क्या करना है इसके ऐसे करके एक टेबल बना देनी है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे इसका, 2 4 ज़ा फिर 9 ज़ा, ये पूरा चला गया ना, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा चला गया, अभी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। इसी तरह से फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 0 बचेगा। गाइस अभी अगर 6 को करेंगे 2 से डिवाइड तो यहाँ 3 आ जाएगा एंड यहाँ रिमाइंडर फिर 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब गाइस आपने कुछ नहीं करना है, इसको इस क्रम में लिख देना एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 0 एंड 1 0। गाइस ये हो गया आपका बाइनरी फॉर्म। इसी तरह से गाइस आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।